गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हायर डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? फाइन, राइट। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और घर में बैठ कर के आप बोर हो रहे हैं, तो अब आपको बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आ गए आपके कॉमर्स गुरु रफी सर। तो सबसे पहले आपका आईबीए कॉमर्स कोचिंग में स्वागत है और आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म पे। ये 12th के सिलेबस का काफ़ी आसान चैप्टर है, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप उसे सब्सक्राइब करें और बने रहें अपने कॉमर्स गुरु रफी सर के साथ। आइए दोस्तों, डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म पे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पे हम लोग बात करेंगे तो दो टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक नंबर एक हुआ आपका पार्टनरशिप फॉर्म, टॉपिक नंबर एक पार्टनरशिप फॉर्म पे बात होगी, और टॉपिक नंबर दो बात होगी पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या है और पार्टनरशिप डीड क्या है, बस बने रहें अपने कॉमर्स गुरु रफी सर के साथ। मैं आपको बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं कि पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप डीड क्या है। तो पार्टनरशिप फॉर्म अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर अगर किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं और उसके प्रॉफिट को आपस में बांटने का एग्रीमेंट करते हैं तो उसी बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब आगे सुने, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप फॉर्म, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम दो व्यक्ति को शामिल किया जाता है और मैक्सिमम 50 व्यक्ति को शामिल किया जाता है। लेकिन अगर यह पार्टनरशिप फॉर्म बैंकिंग सेक्टर का हो, किस सेक्टर का हो बेटा, बैंकिंग सेक्टर का, तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म बैंकिंग सेक्टर का हो तो फिर ऐसे सिचुएशन में मिनिमम दो व्यक्ति और मैक्सिमम 10 व्यक्ति को हम लोग शामिल कर सकते हैं, राइट ना। अब रही बात कि जब पार्टनरशिप फॉर्म ये सभी पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं तो क्या एग्रीमेंट का होना जरूरी है? यस, एग्रीमेंट का होना जरूरी है और इसका एग्रीमेंट बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि सुने, पार्टनरशिप फॉर्म में सभी पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट तीन तरीके से हो सकता है। नंबर एक ओरल, नंबर टू रिटेन, और नंबर थ्री नॉन वर्बल। तो नंबर वन ये ओरल क्या होता है, तो ओरल एग्रीमेंट हम लोग उसको बोलते हैं कि जब सभी पार्टनर्स आपस में बात कर लिए, मौखिक बात कर लिए, एग्रीमेंट कर लिए, बिजनेस की शुरुआत हो गई। ये रिटेन क्या होता है कि जब सभी पार्टनर्स आपस में लिखित रूप से जब एग्रीमेंट करेंगे तो उसको रिटेन एग्रीमेंट बोलेंगे, और नॉन वर्बल यानी कि इशारों में बात हो गई और बिजनेस की हम शुरुआत कर लिए। ये रहा आपका पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट का तरीका। दूसरी बात कि जब हम पार्टनरशिप फॉर्म चलाते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स बनने के लिए पूंजी लगाना, कैपिटल लगाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो उसको उसके कैपिटल के बदले में अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाता है, राइट ना। दूसरी बात, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में काम कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट किसी भी पार्टनर को
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस इटीसी दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये सब देने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन बोनस नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि जब पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट नहीं हो, विदाउट एग्रीमेंट अगर बिजनेस की शुरुआत कर दिया गया हो तो अब्सेंस इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो तो फिर ऐसे सिचुएशन में किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस नहीं दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट नहीं हो तो फिर प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा? तो पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट के अभाव में, यानी कि अब्सेंस इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सभी पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट का बंटवारा बराबर बराबर किया जाएगा। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दूसरी बात कि ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है कि जब सभी साझेदार, सभी पार्टनर्स आपसी एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट के लिए जो बॉन्ड पेपर तैयार होता है, जिस बॉन्ड पेपर पर सभी पार्टनर्स से संबंधित शर्तों को, नियमों को लिखा होता है, तो उसी बॉन्ड पेपर को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने कहा था कि दो टॉपिक की बात होगी, पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप डीड। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब हुआ कि कम से कम दो और अधिक से अधिक 50 लोग मिलकर अगर बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से जानते हैं, और जिस बॉन्ड पेपर पर सभी पार्टनर्स के बीच जो लिखित रूप से एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट पेपर को हम लोग पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। और आखिरी बात सुने डियर्स कि जो हमने एग्रीमेंट की बात किया कि एग्रीमेंट तीन तरीके से हो सकता है, ओरल, रिटेन, नॉन वर्बल, तो तीनों तरीका बेस्ट है, लेकिन रिटेन कर लेना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में सभी पार्टनर्स के बीच आपसी मतभेद हो जाए, आपसी विवाद हो जाए, तो फिर ऐसे सिचुएशन में कानून हमारी मदद करती है, और कानून हमारी मदद तब करेगी जब एग्रीमेंट हमारा रिटर्न होगा, तो इसीलिए एग्रीमेंट रिटर्न कर लेना ज्यादा बेहतर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहे हमारे साथ अपने कॉमर्स गुरु रफी सर के साथ, और अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब सभी पार्टनर्स आपस में मिलकर जब बिजनेस करते हैं और जब बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उस प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा सभी पार्टनर्स के बीच कैसे किया जाएगा, तो बने रहें अपने कॉमर्स गुरु रफी सर के साथ।